करण के सामने पलकी ले आई प्रीता के लिए निधि की असली सच्चाई, जिसे सुनकर करण जाएगा निधि के पास और करण सुन लेगा कमरे के बाहर निधि के मुंह से प्रीता को कहते हुए सृष्टि को मारने की बात और निकाल देगा करण निधि को लूथरा मेंशन से बाहर। जी हाँ दोस्तों, कुंडली भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्रीता निधि को ढूंढती हुई लूथरा हाउस में निधि के पास जाएगी, तभी पलकी लूथरा हाउस में प्रीता को निधि के पास जाते हुए देखेगी, जहाँ पर तभी जब पलकी प्रीता के पीछे पीछे जाएगी और प्रीता निधि का पीछा करती हुई निधि के कमरे में पहुंचेगी, तभी फोन पर बात कर रही निधि की नजर प्रीता पर पड़ेगी। तभी अचानक से प्रीता को देख निधि को काफी बड़ा शॉक लगेगा और निधि प्रीता को कहेगी, प्रीता तुम यहाँ पर? तभी प्रीता कहेगी, हाँ लेकिन तुम्हारे चेहरे पर ये 12 कैसे बचे हैं और तुम मुझसे इतना डर क्यों रही हो? तभी निधि कहेगी, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है? तभी प्रीता निधि के हाथ का ब्रेसलेट दिखाती हुई निधि को कहेगी कि देखो निधि। ये जब प्रीता निधि को ब्रेसलेट दिखाएगी, तभी पलकी वहाँ कमरे के बाहर दरवाजे के बाहर आ जाएगी और निधि प्रीता की बात सुनेगी, जहाँ पर प्रीता निधि को ब्रेसलेट दिखाकर कहेगी कि ये तुम्हारा ब्रेसलेट शायद मेरी बहन सृष्टि के पास गलती से रह गया था। तुमने मेरी बहन सृष्टि को जान से मारने की कोशिश की, पता नहीं तुमने मेरी बहन सृष्टि को कितने सारे जख्म दिए। यह सुनकर जब निधि अनजान बनती हुई प्रीता को कहेगी कि कौन सृष्टि, मैं कोई तुम्हारी बहन को नहीं जानती, तभी प्रीता गुस्से में निधि को जोर से तमाचा मार देगी और प्रीता निधि को कहेगी, तुम मेरी बहन को नहीं जानती, जब से मैं इस शहर में आई हूँ तब से तुम मेरी और मेरे परिवार की जान के पीछे पड़ी हो, यहाँ तक कि तुमने उस मासूम बिचारी पलकी को भी नहीं छोड़ा, उसे भी तुमने अपने बेटे से दूर करने के लिए मारना चाहा। यह सुनकर पलकी को काफी बड़ा शॉक लगेगा और पलकी प्रीता निधि के बीच की बात सुनकर नीचे जब लूथरा हाउस में आएगी और करण पलकी को उदास देखेगा, तभी करण पलकी के पास आएगा और करण पलकी को कहेगा, पलकी बेटा क्या हुआ, आज तो दीपावली के त्योहार का इतना बड़ा हमने इवेंट रखा है, फिर ये तुम्हारे चेहरे पर मायूसी कैसी, कोई बात है क्या पलकी बेटा? तभी यह सुनकर पलकी कहेगी, हाँ करण सर, एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी बात है जो शायद आपकी लाइफ से जुड़ी है और मुझे अभी जस्ट पता चला है, आप मानो या ना मानो लेकिन मैंने अपने आंखों देखे और कान से सुना है कि आपकी वाइफ यानी कि प्रीता को जान से मारने की कोशिश और किसी ने नहीं बल्कि निधि ने कई बार की थी और आज भी पिछले कई दिनों से निधि ने प्रीता की छोटी बहन सृष्टि को किडनैप कर दिया था और उसे हॉस्पिटल में जलाकर मारने की निधि ने कोशिश की और अभी प्रीता की छोटी बहन सृष्टि यानी कि राजवीर की माँ हॉस्पिटल में कोमा में है और निधि ने ही ये सब कुछ किया है, इसीलिए प्रीता जी को सृष्टि के पास से ब्रेसलेट मिला था जो आखिरी समय में सृष्टि के हाथ में ही था। यह सुनकर करण को काफी बड़ा झटका लगेगा और करण पलकी को कहेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, निधि ने प्रीता को मारने की कोशिश की, भला वो ऐसा क्यों करेगी? तभी यह सुनकर पलकी कहेगी, वो तो आपको ही पता है कि निधि मैम कैसी है, शायद उन्होंने प्रीता को मारने की कोशिश इसलिए की थी क्योंकि वो डर रही थी कि कहीं प्रीता जी आपकी जिंदगी में फिर से ना आ जाए। यह सारी पलकी की बात सुनकर करण को निधि की करतूतों पर शक हो जाएगा और करण निधि को पता ना चले ऐसे निधि पर नजर रखेगा और कुछ ही दिनों में करण निधि के मोबाइल में निधि के मुंह से प्रीता को मरवाने की बात सुनेगा और निधि के प्रीता को मरवाने की बात सुनते ही करण निधि को लूथरा मेंशन से बाहर निकाल देगा और लेकिन करण के सामने निधि की असली सच्चाई अब आ जानी चाहिए क्या नहीं और पलकी को करण को बता देना चाहिए कि राजवीर आपका ही बेटा है और प्रीता का ही खून है, क्या हमें कमेंट में जरूर बताएं और आपको किसकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद है, पलकी राजवीर की क्या फिर पलकी शौर्य की क्या फिर करण प्रीता की, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।